आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खरपतवार नाशी के बारे में। हमारे कुछ किसान भाई लोग खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय कुछ भूल चूक कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हम किसान भाई लोग मजदूरों द्वारा, सारी शक्ति के द्वारा और कृषि यंत्रों के द्वारा और खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हम अपने खरपतवार को खेत से मुक्त करते हैं। हम किसान भाइयों को खरपतवार नाशी का चयन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि खरपतवार का नाशी का प्रयोग, फसल को कोई जोखिम तो नहीं हो रहा, खरपतवार नाशी की कीमत क्या है और मौसम क्या है। हम किसान भाई लोग जब दवाई खरीदने जाते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है, जैसे कि हम जो दवाई खरीद रहे हैं वो दवाई हम किस फसल पर प्रयोग करेंगे और किस समय और किस मौसम में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि किस खरपतवार को नियंत्रण करना है। जो हम दवाई खरीद रहे हैं वो दवाई मिश्रित खरपतवार के लिए उपयोगी है या नहीं है, क्या यह दवा अधिक खरपतवारों को नष्ट कर सकती है या फिर इस दवाई का असर अधिक समय तक हमारी जमीन में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आप दवाई लाइसेंसधारी दुकान से खरीद रहे हैं। विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि वह दवाई एक्सपायर ना हो और समय से उपयोग करने लायक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जो दवाई खरीद रहे हैं उसका कंपनी वाला लेबल ओरिजिनल है या लोकल है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि वो डिब्बा कहीं जंग लगा और पहले से खुला हुआ तो नहीं है। अब बात करेंगे आपको स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। सबसे पहले आपको जो दवाई प्रयोग करने जा रहे हैं उस पर लिखी हुई सावधानियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आपको कोई भी दवा को रंग या उसकी खुशबू या बदबू से नहीं पहचानना है। दवाई का प्रयोग करते समय दवाई को खुले व हवादार वातावरण में ही खोलना चाहिए, और दवाई का प्रयोग करते समय या स्प्रे करते समय हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आपका नोजल रुक जाता है या बंद हो जाता है तो उसको मुंह से ना फूकें। स्प्रे करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दवाई स्प्रे करने के बाद आपको अच्छी तरह से नहा लेना चाहिए, जो आपने जो कपड़े पहने थे उसको धुलकर सुखा देना चाहिए। स्प्रे करते वक्त आपको ध्यान रखना कि आसपास बंधे जानवरों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो अपने नजदीकी प्राथमिक चिकित्सालय में मरीज को ले जाएं। आवश्यक बात यह है कि दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आपने जो दवाई प्रयोग की है अगर उसमें दवाई बच रही है तो उसको अच्छे से बंद करके किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां हवा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए।